पहले पेशाब घर था। तू बताइया, तो एक भैया रहे बिना पढ़े लिखे, तो काऊ जमाने में भी पेशाब कर गए हो ये माँ, तो फिर दोबारा आई तो बेचार की यो पेशाब तो लगी है, चलो दद्दा के संग आए हते तो मजा पेशाब करके गई हती। तो बिना पढ़े लिखे भैया पेशाब करने के लिए घुस गए, लेकिन वहां लिखा हुआ था कि यहाँ पेशाब करना मना है। तो बिना पढ़े लिखे भैया रहे वो घुस गए, उन्होंने पेशाब कर ली। एक पढ़े लिखे भैया रहे बिन्नी देखो कि जे घुस गए तो हम कहीं नहीं जाए, तो बिना पढ़े लिखे के देखवे के चक्कर में बेहू चली गई कि बेपेशाब कर रहे तो हम करे, तो पढ़े लिखे भैया घुस गए अंदर, दोनों ने पेशाब कर ली। और जैसी पेशाब करी पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। पहले नंबर आओ बगर पढ़े लिखे को, कहने लगे ए बेवकूफ, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पेशाब करना मना है, फिर भी तूने पेशाब कर ली। तो बिना पढ़े लिखे ने दोनों हाथ जोड़े, दद्दा हमें नहीं मालूम, हम पढ़े लिखे ना ही, हमने ना ही पढ़ पाई। अब कल वो अच्छे और भैंस बराबर, जब हम पढ़े ना तो कछु लिखू रहे ना, हमें का मालूम। कहने लगे तो ऐसो कर 100 रुपया निकाल तू। तो पढ़े लिखे भैया ने जो बिना पढ़े लिखे रहे उन्हें 100 रुपया जेम से निकाले, ले उसा 100 रुपया दे दे। अब नंबर आओ पढ़े लिखे को, कहने लगे बेवकूफी ये बता तू कितना पढ़ा लिखा है, बहने जानी कछु इनाम मिली। कहने लगे हमने इंग्लिश से डबल एम ए करी है, और तूने इंग्लिश से डबल एम ए करी और हिंदी में ना ही पढ़ पाई कि यहाँ पेशाब करना मना है, फिर भी तूने पेशाब कर ली। ऐसा कर तू 500 रुपया निकाल, 500 रुपया निकाल, 500 पढ़ो लिखो। कौन लोगों का है, हमने का बात है ज्यादा पेशाब करी है सो हम 500 निकाले। तो मेरे कहने का मतलब है ज्यादा और कम से मतलब ना है, तुम तो 100-100 रुपया दे के छूटी हो और हम पे 500 को लगे हो, ता से कीर्तन बोलो और ये सभी भक्त बोलेंगे।